लगे टोल बैरियर के कारण ट्रांसपोर्ट कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों को लेकर बार बार आग्रह करने के बावजूद कोई सुनवाई न होते हुए ट्रांसपोर्टरों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों पर टायर भी फूके गए। पूरे देश भर में जिस तरह अब ट्रांसपोर्टर जो स्ट्राइक पे चल रहे हैं, उनकी जो पांच छह महंगे हैं वो लेकर इस समय सरकार जो है वो गंभीरता से नहीं ले रही। हमारे साथ इस समय प्रधान जी बताएंगे क्या जी क्या कहना चाहिए। 95 लाख ट्रक पूरे हमारे इंडिया में खड़े हैं, अकेले पंजाब में 90 से 95 हज़ार ट्रक खड़े हुए हैं, पूरा ट्रक का जाम है। अब की बार ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस ने पूरे इंडिया में घूम के 1.5 महीना पहले आह्वान करके हर घर जाके हर एसोसिएशन को साथ में लेके चक्का जाम किया था। इसका असर पूरा दिख रहा है, सारी यूनियन हर चीज हर आदमी हमारे साथ में है। यहाँ पे भी DTU वाले खड़े हैं, टेम्पो यूनियन वाले, ये भी इस हड़ताल को पूरा समर्थन दे रहे हैं। आपकी बार टेम्पो यूनियन वाले हो गए, ट्रक यूनियन जो होती हैं पहले नहीं साथ में खड़ते थे, आपकी बार सारा पूरा समर्थन है। और आज हमने नितिन गडकरी और मोदी साहब का पुतला भी फूका, जिससे पब्लिक ने रोज अपना प्रदर्शन किया है। और अब की बार हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी, हमारी हड़ताल खोलने की कोई उम्मीद नहीं है। साढ़े नाल जो मोदी सरकार ने किया वो सानू पता, साढ़े नाल जो धक्का हो रहा वो सानू पता। 25% भारत की जो आबादी आ वो ट्रांसपोर्ट धंधे नाल जुड़ी हुई आ। 25% होने के बावजूद भी साढ़े नाल इतना धक्का किया जा रहा, असीं तुहानू दस नहीं सकते। सारा कुछ एडवांस देने के बावजूद टैक्स असी एडवांस दें, पासिंग के पैसे असी एडवांस दें, डीजल असी एडवांस भरा, इंश्योरेंस असी एडवांस कराने, सब कुछ असी एडवांस कराने के बावजूद भी सड़ना फुल धक्का। लुधियाना से अभिषेक के साथ धीरज कुमार, टाइम्स पंजाबी।